अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ अज़र महर। आज हम जा रहे हैं जी वेला मुंडा के घर। ये रास्ते में खड़े हुए हैं, ये वही पुल है जहाँ से वेला मुंडा ने एक वीडियो बनाई थी कि रिक्शा जा रहा है। ये बहुत ही ख़तरनाक पुल है। ये जो नहर जा रही है ये वेला मुंडा के घर की तरफ जा रही है। ये हमारे दोस्त खड़े हुए हैं, हमने इनसे पूछा कि रास्ता ये कहाँ जा रहा है, वेला मुंडा के घर जा रहा है। ये बताएं यार कितना दूर है? 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर होगा। आप देखते हैं वेले मुंडे की वीडियो को? देखते हैं। अच्छी लगती है वीडियो? यस। यार हमारा भी चैनल है अज़र महर वीलॉग, उसको भी देखना, सब्सक्राइब करना, ठीक है? मेहरबानी जी। नाज़रीन हम जा रहे हैं वेला मुंडे के घर की तरफ, शहजाद और वेला मुंडा। ये मैनर है, ये रोड है, ये उसके घर की तरफ जाता है। चौक मुंडा से तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला है जो वेला मुंडे का घर है बताया जा रहा है। अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, लोगों से पूछा है, उन्होंने बताया कि इतना ही फासला है। गूगल पर हमने सर्च किया तो भी इतना फासला आ रहा था। और जब हम मेन रोड से इस रोड की तरफ आए तो लोगों से पूछा कि वेला मुंडा अपने घर में मौजूद है या नहीं, क्योंकि हमारा रब्ता उससे नहीं हुआ था। हम किसी काम के सिलसिले में इस इलाके में आए थे, तो मेरे दोस्त मोहम्मद हसन ने कहा कि हम वेला मुंडे के घर चलते हैं, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, चलते हैं। तो लोग बता रहे थे कि वो मरी गए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, लेकिन फिर भी हम उसके घर की तरफ जा रहे हैं, कन्फर्म नहीं है अभी। पीछे जो पुल दिखाया हमने कि वेले मुंडे की एक वीडियो थी, उससे रक्षा गुजरा है, लेकिन एक आगे भी पुल है उसी तरह की, हो सकता है ये पुल हो। हाँ ये पुल हो सकती है। इस पुल से जो है ना वेले मुंडे वो झुग्गी वाले हैं जिनकी अक्सर वेला मुंडा जो है वीडियो बनाते रहते हैं। नहर से नीचे उतर गए हैं, नहर के साथ जो सड़क आ रही थी उससे नीचे उतर गए हैं, वेले मुंडे के घर की तरफ जा रहे हैं। गर्मी का मौसम है, गर्मी है, कच्ची सड़क है जी वेले मुंडे के घर की तरफ जा रही है। आप अक्सर उनकी वीडियोस में देखते होंगे कि कच्ची सड़क है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं अज़र महर। आज हम मौजूद हैं जी मोहम्मद शहजाद और वेला मुंडा, उनके घर पर मौजूद हैं। हम बगैर बताए हुए आ गए थे लेकिन वो मरी गए हुए हैं। उनके वाले साहब ने हमारा इस्तकबाल किया, बहुत ही खलूस और मोहब्बत से हमें मिले, हमारे साथ हैं जी। अंका जी बहुत शुक्रिया टाइम देने का, आपने मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल किया और खाना खिलाया, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी जा तू थोड़ा सा टाइम दिता, असर सुन दे असें भी नहीं मिलते या पैसे लेने या इस तरह की गाली, लेकिन वो जी कोई मामले नहीं है जी। नाज़रीन जो लोग कहते हैं कि मोहम्मद शहजाद उनके वाले जो हैं जो आए उनको टाइम नहीं देते, बिल्कुल वो लोग गलत कहते हैं। उन्होंने बहुत टाइम हमें दिया और बहुत ही मोहब्बत और खलूस के साथ हमें मिले,
और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हुई, लेकिन मज़ीद बातें हम शेयर नहीं कर सकते आपके साथ। बस इतना ही, अपने मेज़बान अज़र महर को दीजिए इजाज़त। अगर टाइम मिला तो मोहम्मद शहजाद से भी हमारी मुलाकात होगी, वो वीडियो आपको दिखाएंगे, तो उस वक्त के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन, अब हम वापस जा रहे हैं मोहम्मद शहजाद और फेला मुंडा के घर से, उनके वालिद साहब से। जैसे कि आपने देखा वीडियो में मुलाकात हुई, ये उनको नहर की तरफ जाता है जहाँ पर बहुत सारे भी लोग मोहम्मद शहजाद ने बनाए हैं। वो वीडियो भी उसने इसी नहर में बनाई है जो जिस पर हम थोड़ी देर के बाद जाने वाले हैं, जिससे वो रिक्शा गुजार रहे हैं। और दो तीन और भी वीडियोज़ उनकी हैं नहर के साथ साथ। अब हमारी कोशिश है कि हमारी मुलाकात हो मोहम्मद शहजाद के जो साले हैं।